नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। देखिए क्या है खास खबर सीवान से। हम आंखों से शोरबा नहीं चुराते, हम आंख ही चुरा लेते हैं ताकि शोरबा लगाने की तिरंगा हमारी आन बान और ये हमारी शान है। इसे न कभी झुकने देंगे और न कभी मिटने देंगे। उनकी ओर से बहुत बहुत पुरस्कार है। जय हो जय हो। बोलिए प्रेम से शो शो Thank you.
मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, तुझे सदा मिलाते क्या होता है, छाप पड़ जाता है और उसी के आधार पे फिर उसको पुनर्जन्म। आज जो है चित्रगुप्त पूजा का आयोजन है और अखिल भारतीय चित्रगुप्त महासभा चित्रांश का ये विंग है सिवान की ये शाखा, और इसके तहत बहुत दिनों के बाद एक कार्यक्रम अच्छा हो रहा, बहुत ही अच्छा आयोजन है जिसके तहत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ कार्यक्रम के माध्यम से भाईचारे का संदेश भी है, और चलिए बहुत ही बेहतरीन गीत यहाँ के जो आयोजक हैं बहुत अच्छा किए हैं, और अच्छा पुनः आग्रह करते हैं कि हमारी जो विरासत है चित्रगुप्त पूजा की जो बीच में थोड़ी विलीन हो गई थी उसका पुनः ये लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, अच्छा पहल है, और मुझे लगता है कि इस तरह का आयोजन अगले बार से बहुत अच्छा होगा, और आज अच्छा ये माहौल है। आपस में भाईचारा बनी रहे, बना रहे, एकता बनी रहे, और समाज में सारे समाज के सारे लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, भाईचारा कायम रहे, और एक सद्भावना इससे समाज में फैलती है कि हम एक हैं, एक रहेंगे। कई लोगों को देखा जाता है कि जो कलम के तेज मारे, ऐसे में समाज में किस तरह का बदलाव आता है? समाज में बदलाव कलम के तेज तो है ही, समाज में बदलाव लाने के लिए उनको कलम में और ताकत बढ़ानी होगी, अपनी कलम में ताकत भरनी होगी ताकि समाज में एकजुटता बन जाए। किसकी पूजा होती है आज? आज चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है जो हमारे इष्ट देव हैं, और हर साल आज के दिन ही हम मनाते हैं और उनकी पूजा। अपना नाम बता दें। दीपेंद्र वर्मा, अधिवक्ता सिवान। थैंक यू।